गोडसे को पूजने वाली हिंदू महासभा के जो सदस्य थे वो अब कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली, कांग्रेस ने उन्हें सदस्यता दी है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री वहाँ साथ थे नरोत्तम मिश्रा, बड़ा कांग्रेस कहती थी कि हिंदू महासभा या गोडसे को लेकर बड़ा बड़ा बवाल मचा था, अब उनने सदस्य ग्रहण कर ली। समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को आप ही मचाते थे, आप ही उनकी बाइट दिखाते थे। गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी। कांग्रेस पर कार्यकर्ता अब बचे नहीं है, कांग्रेस पर अब जनता, जनता का कांग्रेस पर विश्वास बचा नहीं है। तो अब जब जो आएंगे ना कांग्रेस में, वो ऐसे ही ऐसे लोग आने वाले हैं। ये गांधी का प्रयोग नोटों और वोटों के लिए ही करते हैं, बाकी तो सो कॉल्ड गांधी है। एक बड़ा सवाल ये है कि गांधी की विचारधारा को कांग्रेस मानती है, अब गोडसे के नहीं मानती। भाई ये गलत कह रहे हो आप, गांधी का प्रयोग वोटों के लिए और नोटों के लिए करते हैं, अम्बेडकर जी का प्रयोग नोटों के लिए या वोटों के लिए करते हैं। इनका कोई विश्वास नहीं किसी नीति, इनकी कोई नीति नहीं कांग्रेस की, कोई सिद्धांत नहीं है, कि नीति है तुष्टीकरण की नीति, और कोई नीति नहीं। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा की परिवर्तन यात्रा को पुलिस ने मंजूरी नहीं दी, अभी वो एक जनसभा। पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, वहाँ पर व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, इसका बोलबाला है, माफियाओं का राज है। प्रजातांत्रिक तरीके से वहाँ ममता जी कोई कार्यक्रम होने ही नहीं देंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पहले हमला कराना और अब अनुमति नहीं देना, ये इस बात का द्योतक है। और मैं तो मांग करता हूँ चुनाव आयोग तत्काल वहाँ आचार संहिता लगाए। बड़ी बात की है ममता बनर्जी ने, कहा है कि मैं गोलकीपर हूँ, बीजेपी का एक भी गोल नहीं करना। हिट विकेट होंगी आप देखना। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हिंदू महासभा के जो सदस्य हैं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास, संतोष श्रीवास्तव, भोपाल।